नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि फ्री फायर में किसी भी बंदे को या फिर बंदी को फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजा जाता है और किसी भी बंदे को फ्रेंड कैसे बनाया जाता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल से आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप भी फ्री फायर में अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे अगर फ्रेंड बनाकर ग्रुप में खेलना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताने वाला हूँ कि फ्री फायर में फ्रेंड कैसे बनाया जाता है, यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजा जाता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। उससे पहले आप सभी से बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, दोस्तों राइट साइड में ऊपर आपको कॉर्नर पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एक बैटरी का ऑप्शन दिखाई देता है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देता है, उसके बाद यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन दिखाई देता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों जो व्यक्ति है यानी कि जो ग्रुप का ऑप्शन है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस लोडिंग लेगा। यहाँ पे दोस्तों बता दूं यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको चार ऑप्शन मिलता है, गेम फ्रेंड, डायनेमिक ड्यूड, प्लेटफॉर्म फ्रेंड और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है ऐड का, ठीक है। तो दोस्तों आपको सिंपली ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों ऐड वाले ऑप्शन पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे दोस्तों जितने लोग ऑनलाइन इस समय प्ले कर रहे होंगे वो सभी बंदे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर उन लोगों को आप फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन के सामने एक प्लस का आइकन दिखाई देता है, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट चला जाएगा। अब वो उस बंदे के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, वो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, यानी कि आपको फ्रेंड बनाएगा या नहीं बनाएगा। लेकिन दोस्तों चलिए मैं पे आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी अपने फ्रेंड को सर्च करके उसकी आईडी को सर्च करके आप उसको फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको सिंपली ऐड वाले सेक्शन में ही रहना है। अब दोस्तों आपको राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिल जाता है, इनपुट निक नेम टू सर्च। यहां पे दोस्तों यही ऑप्शन मिलेगा, इनपुट निक नेम टू सर्च। तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो कीबोर्ड है ना ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जिसको भी यहाँ पे फ्रेंड बनाना चाहते हैं उसका आपको आईडी यहाँ पे सर्च करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे दीपेश है एक लोग, तो मैं इनका आईडी सर्च करता हूँ तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे दीपेश नाम से जितनी भी आईडी होंगी आ जाएंगी। अगर आप किसी पर्सनल व्यक्ति को, पर्सनल बंदे को अगर यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उसका आईडी डालना होगा। जैसे यहाँ पे डालेंगे ना तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों सबसे ऊपर जो यहाँ पे है दीपेश, इनको मैं फ्रेंड अपना बनाना चाहता हूँ। तो अब हमको क्या करना होगा फ्रेंड बनाने के लिए, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे राइट साइड में उधर ही कॉर्नर पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है उसी आईडी के सामने प्लस का। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसी प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब जैसे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा। बता दूं आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है। अब दोस्तों बता दूं ये जो बंदा है यानी जो दीपेश है, इनके फ्री फायर में एक नोटिफिकेशन चला गया होगा कि ये जो हम है मैंने एक आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। तो दोस्तों अब उनके सामने जानते हैं क्या होगा, उनके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा रिजेक्ट का, एक एक्सेप्ट का। तो दोस्तों अगर वो एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना तो दोस्तों वहां पे हम उनका फ्रेंड बन जाएंगे। अगर वो रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम उनका फ्रेंड नहीं बनेंगे। तो दोस्तों सिंपली आप इस प्रकार से अपने किसी भी फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर कोई बंदा आपको रिक्वेस्ट भेजता है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों गेम फ्रेंड वाले सेक्शन में या डायनेमिक ड्यूड वाले में तो नहीं मिलेगा, यहीं पे आपको मिलेगा। किस में मिलेगा, गेम फ्रेंड वाले में या फिर दोस्तों प्लेटफॉर्म फ्रेंड वाले में। तो जो ऑप्शन है ना एक्सेप्ट का वो आ जाएगा, सिंपली अगर उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप उसका फ्रेंड हो जाएंगे, यानी कि आपने वो जो रिक्वेस्ट भेजा था उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सीख पाए होंगे कि फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजा जाता है, किसी भी बंदे को फ्री फायर में फ्रेंड कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।